अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने कबर्ड को सही कर रही हूँ और ये तो मैं हर सेकंड डे सही करती रहती हूँ। और आज मैं जब मॉर्निंग में उठी तो मैंने देखा कि सब कुछ नीचे बच्चों ने गिराया हुआ है और इतना मैसी सब कुछ मैसी बनाया हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपने कबर्ड को सही कर लूँ। और अभी मॉर्निंग का ही टाइम है और अभी मैं सो के उठी हूँ। सबसे पहले मैंने शॉवर लिया और फिर मैं आगे कबर्ड के पास और आके बस मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ। अभी तक बच्चे भी सोए हुए हैं, जब तक बच्चे स्लीप कर रहे हैं तब तक मैं ये सारा काम वाइंड अप कर लूँगी कबर्ड वगैरह का, क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं तो फिर कुछ भी काम मैं नहीं कर सकती। तो बस अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ, कोई चीज़ जो मैंने दूसरी कबर्ड में रखी हुई थी वो जो भी हानि आप जो लेती है या मूसा जो लेता है वहीं पर फेंक देता है। तो इस वजह से फिर अब मैं इनको सही तरह तरतीब से रख रही हूँ। और बस अब मैं यहाँ पे ये कबर्ड को सही कर रही हूँ। और ये जो कोट है ये मैंने कितनी दफ़ा जो कि स्टोर रूम में रख दिया है, लेकिन ऐसा होता है ना कि जब बच्चे प्ले करते हैं, और आजकल मैंने बताया भी था अपने व्लॉग में कि वेकेशन से तो फिर सब बच्चे आए हुए हैं, तो इस वजह से फिर ये स्टोर रूम से जाके जो भी चीज़ मिलती है इनको उठा के लाते हैं और फिर बस उसी से प्ले करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो कोट है इसको भी उठा के लाई थी ये, और अभी मैंने ये देखा कबर्ड खोली है तो मैंने देखा है कि कोट भी यहाँ पे है। तो अब मैं इसको भी एक प्रॉपर रख के, बल्कि अब मैं इसको इधर ही रख देती हूँ क्योंकि इसको वहाँ पर रखूँगी तो फिर वो फिर बच्चे जाके वहाँ से लेके आ जाएंगे, और इसलिए बेटर है कि जब तक जब बच्चे जाते नहीं हैं सारे के सारे तब तक मैं इसको इधर ही रखूं। तो ऐसा ही होता है। और अब मैंने कोट को भी रख दिया था, और अब ये है जी मेरा बाया, और बाया आज मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तो वो ऐसा होता है कि बस बच्चे वो भी बाया भी जब ये प्ले करते हैं तो फिर कोई बाय का ये स्काफ ले लेता, कोई क्या ले लेता है, तो फिर इस वजह से मैं इसको भी मैंने सब अब मुझे ये वापस सब कुछ सही करके रखना पड़ रहा है। तो मैं इनको भी एक तरीके से रख लूँगी सेट करके, बल्कि इनको मैं ऊपर ही चढ़ा देती हूँ ताकि ये बार बार ये नीचे अगर मैं हैंग कर देती हूँ तो जब भी बच्चे कबर्ड खोलते हैं तो कोई भी ले लेते हैं। तो इस वजह से अब मैं इनको एक प्रॉपर करके ऊपर ही रख देती हूँ।
भाई सब मैं अपने सारे अबायाज को सेट करके रख रही हूँ। अच्छा ये जितने भी अबायाज थे जस्ट मैंने जो यूज़ के लिए है वो एक यहाँ पे छोड़ा हुआ है, बाकी मैं सारे के सारे मैंने स्टोर रूम में रखे हुए थे लेकिन वो भी सब बच्चों ने उठा के यहाँ पे रख दिए। तो बस यही काम होते हैं जो छोटे छोटे काम निकल आते हैं, और बच्चे कुछ भी अपनी जगह पे नहीं रहने देते जब स्पेशली जब ज़्यादातर ज़्यादा बच्चे मिलते हैं तो ऐसे ही होते हैं। तो बस सब मैंने बयाज वगैरह सेट करके रख दिए थे, और जो बच्चों ने यहाँ पे चीज़ें रखी हुई थी वो सारी की सारी मैंने रख दी थी। अब मैं जी शूज़ को रख रही हूँ सही करके, और ऐसा होता है कि जब भी जितनी दफ़ा भी कबर्ड खोलती है तो कोई ना कोई चीज़ लेते हैं बच्चे, तो सारी की सारी चीज़ें उठा के इधर से उधर कर लेते हैं। आल्डो के शूज़ सही थे सेट थे, बट फिर भी मैं इनको एक मतलब जो डेली यूज़ करने के बच्चों के शूज़ होते हैं वो मैंने सामने रखे होते हैं, लेकिन वो भी बच्चे ऐसे करते हैं जो शूज़ पहनना होता है वो पहन के बाकी सारे शूज़ वो हानिया पीछे रख देती है। तो अब मैं वो सारे शूज़ अब मैं उनको सही करके रख रही हूँ यहाँ पे। शूज़ भी मैंने सही करके रख दिए थे, और बस अब मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि इस बॉक्स के बीच में मैंने टैप डाला हुआ था, और अच्छा ऐसा है ना कि बच्चों ने 3-4 टैब्स तोड़ दिए हैं। तो फिर अब मैंने ऐसा किया कि अब मैंने जो न्यू टैब लाया था तो वो मैंने इसके बीच ही रख दिया था। मैंने कहा जब बाकी बच्चे जाएंगे तो फिर मूसा को दूंगी, क्योंकि ऐसा होता है कि फिर ये होता है कि मूसा कम प्ले करता है और वो फिर बाकी बच्चे भी ले लेते हैं और फिर वो तोड़ देते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पर रखा हुआ था। लेकिन वो देखती हूँ मैं कि यहाँ पर है ही नहीं, और वो भी बच्चों ने मूसा ने यहाँ से ले लिया था, निकाल दिया था। तो वो अभी मैंने सर्च करना है कि वो कहाँ पे रखा है, शायद मे भी मैं कहीं रख के भूल गई हूँ या फिर कहाँ पे रखे है, वो भी मैंने सर्च करना है।
और जी अब मैं अपना व्लॉग आज का यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। ये था मेरा आज का व्लॉग, अब तक का व्लॉग। और अभी मैंने अपने कबर्ड को सही करके रख दी है, क्योंकि ये हर सेकेंड डे का काम ही होता है मेरा, और ये मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ। तो बस मैंने सोचा कि शायद मैं व्लॉग भी बना लूँ। और आप सब 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 का बहुत बहुत थैंक्स कि आप सब लोग मेरे वीडियोज़ को बहुत पसंद करते हो, देखते हो, मुझे अप्रिशिएट करते हो। बिलीव में मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस ऐसे ही प्लीज़ प्लीज़ ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहना और मुझे सपोर्ट करते रहना, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। थैंक्स अ लॉट। और जी बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर लेना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।